मारुति सुजुकी की स्विफ्ट डिजायर इंडिका की, तो ये कौन सी मॉडल होने वाली है? किसी का कार लेने का ड्रीम हो, इतना खूबसूरत मिलने वाला है। ये गाड़ी जो है ये डॉक्टर की है जैसे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं मेंडल ब्लॉगर यूट्यूब चैनल, मैं आपका दोस्त इचर गोस्ट 9। तो चलिए इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। एक और सेकेंड हैंड कार पे वीडियो आ चुकी है, फर्स्ट टाइम चल रहे हैं शॉप पे। फिर दिखाते हैं कैसी कार होने वाली है, लो बजट से लेकर हाई रेंज तक हमारी प्रयास रहेगी वीडियो में लगाने के लिए। चलते हैं शॉप पे, मिलते हैं ओनर के साथ और एक एक करके सारे कार दिखाएंगे और यही बोलेंगे कि वीडियो विदाउट स्किप किए देखिएगा तो ही समझ पाइएगा क्या डील होने वाली है क्या नहीं। एक स्किप कीजिएगा नहीं समझ पाइएगा। तो चलते हैं अब डायरेक्ट शॉप के ओनर के साथ मिलकर आपको एक एक करके सारे कार दिखाते हैं। जैसे आपने सिनेमेटिक शॉट्स देखा और आपके स्टॉक की बात करें तो कुछ इधर गाड़ी होने वाली है, कुछ इधर गाड़ी होने वाली है। अभी तो कुछ गाड़ी रोड पे लगी हुई है और कुछ गाड़ी की बात करें तो कुछ गाड़ी इधर होने वाली है, मतलब काफ़ी बड़ी स्टॉक होने वाली है भाई। तो इतना तो वीडियो में पॉसिबल नहीं है कवर करना, पर भी आपका भाई कोशिश करेगा कि सारी जितनी अच्छी अच्छी गाड़ी है कवर कर ले। अच्छी गाड़ी तो अमूमन सारी होती है, पर मतलब मेनली गाड़ी जो होती है वो हम कवर करें। बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में होगा, आप कॉल करके डिस्क्रिप्शन से सारा जानकारी ले सकते हैं। तो बिना आपके टाइम लिए मिलते हैं शॉप के ओनर के साथ और अब आपको देते हैं सारी गाड़ी के डिटेल्स। तो भैया आ चुके हैं हमारे चैनल पे, तो भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो भैया आप सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। अरशद नाम हुआ मेरा भाई। ओके, तो भैया का नाम अरशद हुआ। तो ये जो आज दिखाते हैं कार, स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं, कार की तो स्टॉक बहुत सारी है, ये कौन सी कार है और जानते हैं इसकी डिटेल? ये होंडा की अमेज है, होंडा की टेक, ठीक है, ठीक है, 2014 का वेरिएंट है। ओके, ठीक है, हाँ, डीजल में ये कार आती है, ठीक है, और फर्स्ट ओनर है गाड़ी, ये गाड़ी फर्स्ट ओनर है, फर्स्ट ओनर, ठीक है। और ये गाड़ी की क्या बात करते हैं प्राइस की? तो ये आपको पड़ जाएगी 365 की, 3,65,000। 3,65,000 में ये गाड़ी जाने वाली है। और ये गाड़ी जैसे आप देख रहे हैं कि अगर बात करें कलर की तो कलर बिल्कुल न्यू है, और अगर आपको फ्रंट से भी देखते होंगे या सिनेमेटिक शॉट्स में भी आप देखे होंगे तो स्क्रेच कोई इधर सामने में आपको या बैक में नहीं देखने को मिलेगा। इसकी इंटीरियर दिखाते हैं अपने व्यूअर्स को, आप जैसे इंटीरियर देख सकते हैं कि डैशबोर्ड वगैरह बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में, मतलब बिल्कुल फ्रेश है। आप स्टेयरिंग की बात करें तो और सीट कवर की बात करें तो भैया गाड़ी के तो मतलब मैट वगैरह मतलब सब कुछ बिल्कुल, सब कुछ लगी हुई है। कितनी किलोमीटर चली हुई है गाड़ी? ये अराउंड 46,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी। ओके, मतलब 46,000 के आसपास चली हुई गाड़ी, वेल मेंटेन्ड, और अंदर से तो बिल्कुल न्यू है। आप देख सकते हैं कि म्यूजिक सिस्टम हो गया, फिर आप स्टेयरिंग देख सकते हैं, आप पीछे भी देख सकते हैं सीट कवर, मतलब गाड़ी लेने के बाद से कोई इसमें खर्च नहीं होने वाली है, खर्च करना नहीं है। एक साल की इंजन वारंटी भी जाएगी, एक साल की इंजन वारंटी जो शॉप की तरफ से, गाड़ी ओरिजिनल पेंट में 10% आपको बम्पर वगैरह थोड़ा बहुत टचअप मिल सकता है। ओके, मतलब बम्पर वगैरह को टचअप किया गया, बाकी सब ओरिजिनल पेंट है, ठीक है। देखते हैं दूसरी गाड़ी, तो बात करते हैं ये गाड़ी की, तो ये कौन सी गाड़ी होने वाली है? ये आपको मारुति सुजुकी की ऑल्टो K10, मारुति सुजुकी की ऑल्टो K10 VXI मॉडल में, ठीक है। इसमें आपको दो पावर विंडो मिल जाती है, इसमें दो पावर विंडो, पावर विंडो AC, ओके, 1000 cc का इंजन, ठीक है। पेट्रोल वेरिएंट में ये गाड़ी आती है, 20+ का एवरेज है। अच्छा, 20+ का एवरेज इसका है। 2012 की मॉडल है, 2012 की मॉडल है, AC अभी वर्किंग में है, एकदम AC वगैरह सब सुपर चिल्ड, ठीक है। 2012 की मॉडल है, फर्स्ट ओनर कार है। ओके, ये भी गाड़ी फर्स्ट ही ओनर होने वाली है, जो लेंगे वो सेकंड ओनर होंगे, ठीक है, वो सेकंड ओनर होंगे, ठीक है। टोटल RC ट्रांसफर वगैरह का जो है सारा सिस्टम हमारे यहाँ से भी है, उसके लिए कहीं आपको आने जाने की जरूरत नहीं है, कहीं नहीं, वो यहाँ से करके दिया जाएगा, ठीक है। अवेलेबल नहीं होगा तो होगा तो जो इंश्योरेंस होगा वही आपको दिया जाएगा। ओके, अब जानते हैं इसकी प्राइस क्या होने वाली है। इसकी आस्किंग प्राइस आने वाली है 2,15,000 रुपए, 2,15,000 रुपए इसकी प्राइस आने वाली है। दिखाते हैं इसकी इंटीरियर, आप 12 मॉडल गाड़ी के इंटीरियर देख सकते हैं, या अगर आपको रूफ दिखाए या सीट कवर वगैरह या आपको डैशबोर्ड दिखाए या मैट, मतलब ये भी अंदर से, तो इसमें भी कोई अगर व्यूअर्स हमारे ले जाते हैं तो इसमें भी कोई खर्च नहीं हुए, क्योंकि इसमें सीट कवर भी होने वाली है, मैट भी, तो मैट तो अभी देखकर बिल्कुल न्यू लग रहा है। और आप
डैशबोर्ड स्टीयरिंग देख ही रहे हैं। अगर जो भी भाई को गाड़ी लेना है, डिस्क्रिप्शन में सारी चीज दी गई है, नंबर दी गई है, उस पर आप कॉल करके व्हाट्सएप पे फोटो वगैरह ये सब ले सकते हैं। देखते हैं ये गाड़ी कौन सी होने वाली है, रेनॉल्ट की क्विड, ठीक है। अच्छा, आप जानते हैं इसकी प्राइस, ये आपको पड़ जाएगी 2,95,000। अच्छा, अब मॉडल और की बात करें तो इसकी, ये 2017 मॉडल की गाड़ी है, 2017 मॉडल की गाड़ी है, ठीक है ठीक है। और गाड़ी में स्पेसिफिकेशन काफी सारी है, टच स्क्रीन नेविगेशन। अच्छा, तो वो सब इंटीरियर में हम चलकर दिखाते हैं। ये मतलब दो कार अब तक कवर किए हैं, अगर उससे अगर हम बात करें मतलब 2% इंटीरियर की, तो उस दो बेस्ट उसकी भी है, पर इसके उससे भी मतलब बेस्ट होने वाली है। 2017 मॉडल गाड़ी है, ठीक है। और इसके जो भी फंक्शन की बात करें तो इसमें क्या क्या होने वाली है, स्क्रीन नेविगेशन, एसी, हीटर, दो पावर विंडो अवेलेबल है आपको, ठीक है। और जैसे आप देख सकते हैं कि ये टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम होने वाली है, और आप इसको भी अंदर से मैट दिखा दें, ये भी बिल्कुल न्यू होने वाली है। स्टेयरिंग आप जैसे देखकर समझ ही रहे होंगे, आपको बैक से भी दिखा दे तो बिल्कुल न्यू आप रूप जैसे देख सकते हैं। भैया, अगर यहाँ से गाड़ी हमारे व्यूअर्स ले जाते हैं तो क्या फाइनेंस की सुविधा है या नहीं? फाइनेंस की सुविधा अवेलेबल है ऑल बिहार। ऑल बिहार मतलब कहीं के भी, कहीं के भी डिस्ट्रिक्ट के हो, बिहार में हो, तो उनका फाइनेंस यहाँ से करा दिया जाएगा। तो चलते हैं, देखते हैं दूसरी गाड़ी। ये कौन सी गाड़ी होने वाली है? ये आपको हुंडई आइटन, ठीक है, स्पोर्ट्स वेरिएंट। स्पोर्ट्स वेरिएंट। और इसकी बात करें ओनरशिप की, तो ऑनरशिप भैया इसका फर्स्ट मिलेगा, फर्स्ट ऑनर। और मॉडल की बात करें तो मॉडल 2011 का मॉडल है, पेट्रोल वेरिएंट में, पेट्रोल वेरिएंट में। अब जान लेते हैं इसकी प्राइस क्या होने वाली है। इसकी प्राइस निगोशिएबल है, 2,10,000 रुपए। 2,10,000 रुपए। इसके इंटीरियर दिखाते हैं अपने व्यूअर्स को। गाड़ी आपको अंदर से भी वेल मेंटेन, गाड़ी जैसे भैया बोल रहे थे कि गाड़ी आपको अंदर से भी दिखा दे तो अंदर से भी वेल मेंटेन्ड हो, म्यूजिक सिस्टम वगैरह सब कुछ। आप जैसे देख रहे हैं कि म्यूजिक सिस्टम यहाँ पे होने वाली है, फोर पावर विंडोज, इसमें फोर पावर विंडोज है, पावर विंडोज। जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें जो विंडोज है, ये चारों विंडोज है जो पावर विंडोज है, जैसे आपको देख कर समझ में आता ही होगा। भैया बात करते हैं इंडिका की, तो ये कौन सी मॉडल होने वाली है? टाटा इंडिगो TCS वेरिएंट है, ठीक है। और 2012 मॉडल होने वाली है। और इसकी ओनरशिप की बात करें तो ओनरशिप फर्स्ट विद TDI इंजन। अच्छा, TDI इंजन में डीजल है, ओके, डीजल इंजन में ये गाड़ी होने वाली है। 46,000 से 47,000 किलोमीटर चली हुई है, ओके, मतलब 46,000 से 47,000 चली हुई है। टायर्स वगैरह सब, टायर्स वगैरह अभी 50% टायर्स बची हुई है, आप जैसे देख सकते हैं, मतलब चारों टायर की कंडीशन की बात करें तो 50% बची हुई है। गाड़ी ओरिजिनल पेंट में है आपको, फुल्ली ओरिजिनल, मतलब 100% ये गाड़ी की ओरिजिनल पेंट है। 10% आपको टचअप थोड़ा बहुत, अच्छा वो तो थोड़ा बहुत मिलेगा, मतलब 90% ओरिजिनल पेंट में गाड़ी मिलने वाली है। बिल्कुल नीट एंड क्लीन नी, ये भी इसका भी इंटीरियर अपने व्यूअर्स को दिखा दे। तो इसमें म्यूजिक सिस्टम नहीं होने वाली है क्या? नहीं, इसमें म्यूजिक सिस्टम नहीं है, बट जो कस्टमर हमारे यहाँ आएंगे लेने उनको लगा कर दी जाएगी। ओके, देखिए इसमें भले हम वीडियो में ना दिखा रहे हो, लेकिन अगर आप यहाँ पे आते हो तो भैया लगवा कर देंगे, और इसके भी कंडीशन दिखा दे तो नीट एंड क्लीन होने वाली है, मैट वगैरह होने वाली है। लेकिन भैया मैट वगैरह देने वाले हो, म्यूजिक सिस्टम भी मिलेगा अगर आप आते हैं तो, म्यूजिक सिस्टम भी मिलेगा। अब भैया जान लेते हैं इसकी प्राइस क्या होने वाली है। इसकी प्राइस होने वाली है 1,65,000, ठीक है भैया, 1,65,000 रुपया। अब पूछते हैं भैया, अगर हमारे रेफरेंस कोई हमारे व्यूअर्स आते हैं तो प्राइस नेगोशिएबल हो जाए कि नहीं जो बता रहे हैं? अगर आप आके बोलते हैं कि मेंटल ब्लॉगर का वीडियो देखकर आए हैं, तो उसमें जो प्राइस हम लोग वीडियो में बता रहे हैं उसमें से कुछ नेगोशिएबल हो जाएगा। देखते हैं दूसरी गाड़ी, इसी गाड़ी होने वाली है, ये गाड़ी होने वाली है फोर्ड की फिगो, फोर्ड की फिगो, ठीक है, टाइटेनियम डीजल, डीजल इंजन में होने वाली है। बात करते हैं इसकी मॉडल की, तो मॉडल आपको 2011 की मॉडल मिलेगी, 2011 की मॉडल, 2011 की मॉडल। ओनरशिप आपको फर्स्ट मिलेगी, मतलब आज हम जितने वीडियो में कवर किए सारे गाड़ी की ओनरशिप फर्स्ट होने, मतलब जो गाड़ी लेंगे वो सेकेंड ओनर बनेंगे, ठीक है। अब ये गाड़ी की बात करते हैं कितनी किलोमीटर चली हुई है, ये अराउंड 47,000 से 48,000 के आसपास चली है गाड़ी। अच्छा, तो और इसकी अब जानते हैं प्राइस क्या होने वाली है। प्राइस आ जाएगी 2,15,000, 2,15,000 रुपये। उसमें भी अगर हमारे व्यूअर्स कुछ आते हैं हमारे रेफरेंस से तो हो जाएगा। तो अब इंटीरियर दिखाते हैं अपने व्यूअर्स को। आपको इंटीरियर इतना खूबसूरत मिलने वाला है, इतना खूबसूरत मिलने वाला है कि इंटीरियर देखिए, मतलब अभी तक जितने इंटीरियर हम लोग कवर किए ना गाड़ी का, सबसे बेस्ट में बेस्ट इंटीरियर इसका सुपर होने वाला है। दो एयर बैग गाड़ी में आ जाएगी, दो इसमें एयर बैग भी आने वाले, पावर विंडो आ जाएंगे कंपनी की। अच्छा, इसमें पावर विंडो, ये चार विंडो होगा, दो विंडो है, तो इसमें पावर विंडो
दो है और डैशबोर्ड देख सकते हो। इंटीरियर मतलब इस गाड़ी की काफी प्यारी होने वाली है, मतलब आप जैसे देख रहे हैं तो ये गाड़ी जितनी हम लोग गाड़ी कवर कर रहे हैं वो या हाई रेंज का हो या लो रेंज का, ठीक है, उस पर फाइनेंस हो जाएगा सारी गाड़ियों पे। देखिए फाइनेंस का सिस्टम है कि 2013 मॉडल से जो गाड़ियां होंगी 13, 14, 15, ठीक है, ये सब गाड़ियां फाइनेंस होती है 2012 और उसके पीछे की गाड़ियां। अच्छा मतलब 2013 मॉडल से कोई भी गाड़ी हो, कितनी भी प्राइस की हो, आप फाइनेंस करा देंगे। बस भैया के पास आइए, और वो अभी सबसे अच्छी बात ये है कि आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट का ही हो, ऑल ओवर बिहार, और जितने हम लोग गाड़ी कवर किए लो नंबर प्लेट की अगर बात करें तो वो सारी नंबर बिहार के ही ऑलमोस्ट मिलने वाली है, बिहार और पटना नंबर, कुछ एक आध अदर डिस्ट्रिक्ट के मिलेगी तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ट्रांसफर कराने की जिम्मेदारी हमारी। अच्छा मतलब आप भैया के पास आते हैं तो फाइनेंस भी करा देंगे, गाड़ी भी दिला देंगे, मतलब हर एक चीज के लिए भैया बैठे हुए हैं। तो वीडियो जैसे जाता है भैया को कॉल कीजिए, और आप अगर हमारे रेफरेंस आइएगा तो प्राइस में भी कुछ हो ही जाएगा। कौन सी गाड़ी होने वाली है ये? आपको मारुति सुजुकी की स्विफ्ट डिजायर VXi पेट्रोल होने वाली है। ठीक है, ये मारुति सुजुकी की गाड़ी पेट्रोल डीजल में होने वाली है। ठीक है, जानते कितनी किलोमीटर चली हुई है ये? अराउंड 44,000 किलोमीटर चली हुई है गाड़ी। ठीक है, और फुल नीट एंड क्लीन कंडीशन में, फर्स्ट ओनर ये भी गाड़ी होने वाली है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है। ठीक है, इसका मतलब भी ओरिजिनल पेंट है, मतलब टोटली ठीक है, पेंट मिलने वाली है। बहुत ही प्यारा इंटीरियर है इसका, जैसा कि आप देख सकते हैं। अच्छा, इसका भी अगर हम आपको इंटीरियर दिखा दें, कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम, मतलब ये जो कंपनी के तरफ से जो म्यूजिक सिस्टम मिलता है वही म्यूजिक सिस्टम है। पावर विंडोज, इसमें 4 पावर विंडोज है। ठीक है, RVM ऑटोमेटिक एडजस्टेबल है। ठीक, जैसे आप देख रहे हैं, और स्टेयरिंग की कंडीशन अगर आप देखें तो ये भी ब्रांड न्यू कंडीशन में होने वाली है। सीट भी दिखाए, ये भी न्यू कंडीशन वाले, और रूफ दिखा देते हैं कि मतलब आप जैसे देख रहे हैं कि बिल्कुल मतलब इंटीरियर भी अंदर से बिल्कुल कंडीशन में होने वाली है। इसकी आस्किंग प्राइस की बात करें तो आस्किंग प्राइस तो आपको 4,25,000 है, 4,25,000, 4,25,000 रुपया है इसकी, नेगोशिएबल है वो, बट नेगोशिएबल है। अगर आप हमारे व्यूअर्स आते हैं तो इसमें कुछ नेगोशिएबल कर दिया जाएगा। और ये गाड़ी हम अपने व्यूअर्स को बता दें कि अगर आप जैसे गाड़ी देख रहे हो, बिल्कुल अगर ऐसा होता ना कि रंग चली गई है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब अभी बिल्कुल मतलब गाड़ी चमक रही है, बोले तो साइन दे रही है। फैसिलिटी भी अवेलेबल है 2013 मॉडल। अच्छा, इसमें फाइनेंस हो सकती है? बिल्कुल। अच्छा, फाइनेंस कराने के लिए भी आपसे पूछेंगे कि कितनी डाउन पेमेंट पे हो जाएगी? अप्रोक्स 30% डाउन पेमेंट आ जाता है, 70% आपको लोन हो जाता है। अच्छा, मतलब 70% अगर 30% कस्टमर पे करते हैं तो 70% आप खुद से फाइनेंस करा दीजिएगा। फाइनेंस करा दिया जाएगा। ठीक है, अगर हमारे व्यूअर्स को लो बजट में कार लेनी हो तो मैक्सिमम आपके पास कितने पैसे लेकर आएंगे तो आप प्रोवाइड करा दीजिएगा? अगर लो से लो बजट में बात की जाए तो ठीक है, 65,000 रुपए में ये गाड़ी आपको दे दी जाएगी। मतलब किसी का कार लेने का ड्रीम हो, वो 65,000 रुपया लेकर आ रहे हैं तो आपके पास वो सच में ड्रीम पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो ये कार जो आप देख रहे हैं मारुति सुजुकी की VX, ठीक है, पेट्रोल इंजन में गाड़ी है, फोर सिलेंडर। ठीक है, और इसकी प्राइस क्या होने वाली है? प्राइस होने वाली है 65,000। 65,000, ठीक है, और जान लेते हैं ये गाड़ी चली कितनी किलोमीटर हुई है? ये अराउंड 57,000 to 58,000 किलोमीटर चली हुई है। गाड़ी का मॉडल 2003 का है। ओके, बट आपको री रजिस्ट्रेशन इसका किया हुआ है जो कि 2023 तक आपको पेपर बचा हुआ। मतलब अभी इसका गाड़ी का रजिस्ट्रेशन 2023 तक आप चला सकते हैं। जैसे आप देख ही रहे कि ये पहले के डॉक्टर शायद डॉक्टर की है गाड़ी। ये गाड़ी जो है ये डॉक्टर की है, जैसे आप देख रहे हैं कि लोगो लगी हुई है डॉक्टर्स की, और वैसे भी लेदर सीट कवर वगैरह सब कुछ लगा हुआ है, और वैसे भी डॉक्टर्स की गाड़ी है तो ज्यादा चलती नहीं है, ऑफिस नॉर्मली ऑफिस यूज के लिए वो लोग यूज करते हैं, तो काफी अच्छी गाड़ी है। अगर आपकी ड्रीम है कार लेने के लिए तो मात्र भैया के पास 65,000 रुपया लेकर आइए, उसमें भी थोड़ा बहुत निगोशिएशन, उसमें भी कुछ भी कर दीजिएगा। देखिए अगर आप 65,000 रुपया में जो बोल रहे हैं इसमें भी कुछ भैया कर देंगे तो आपकी कार लेने की ड्रीम है तो के मोटर्स में आकर यहाँ से मात्र 65,000 में गाड़ी लेकर जाइए। गाड़ी तो हम लोग दिखा दिए, 10-12 गाड़ी जितने भी कवर किए हो, तो भैया गाड़ी के स्टॉक तो काफी लंबी होने वाली है, अगर दिखाते तो पॉसिबल है वीडियो में बनाना? बिल्कुल नहीं है, मतलब वीडियो काफी लंबी चली जाती है। तो भैया मिलेंगे, आप आइए, अगर हमारे रेफरेंस से आते हैं तो जो भी गाड़ी पे प्राइस है नेगोशिएबल हो जाएगा। बिल्कुल नेगोशिएबल हो जाएगा। जो 65,000 वाली गाड़ी है उस पर भी नेगोशिएबल हो जाएगा। तो बस आप आइए के मोटर्स में, भैया मिलेंगे, बोलिएगा कि भाई के रेफरेंस आए, हो जाएगा कुछ। तो हम लोग इसी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, अगर अच्छा आप लोग ने रिस्पॉन्स दिया तो फिर हम लोग न्यू स्टॉक आएगी भैया का, फिर हम लोग वीडियो आपके लिए बनाकर लाएंगे। बिल्कुल ठीक है भैया, बिल्कुल।
आशा और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो काफी अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो फिर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आपको गाड़ी ना लेना हो, किसी और को भाई को लेना हो जिनको आप जानते हो, तो उनको भी शेयर कर दीजिएगा। काफी अच्छी डील थी, काफी अच्छी गाड़ी थी जैसे आपने देखा। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, सब कुछ दिया गया है, तो आप उनको कॉल कर सकते हैं, कॉल वगैरह वीडियो मंगा सकते हैं। और उससे भी ना समझ में आए तो आप शॉप पे जाके विजिट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दिया गया है, एड्रेस दिया गया है, हर एक चीज। तो फ्रेंड्स, हम इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और उससे पहले हम प्रमोशन करना भूल जाते हैं, तो आप हमें फॉलो करना भूल जाते हैं। तो इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो इंस्टाग्राम पे आकर हमको फॉलो कर लीजिए। आपको कोई भी सुझाव या कोई भी मैसेज करना हो तो आप वहां पे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं।